हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो आईपीएल 2019 मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर 12 अप्रैल को रात के 8 बजे से। सबसे पहले मैं बात करता हूं होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का पिछले मैच में परफॉर्मेंस एक बैटिंग कोलैप्स रहा था, जहां पे चेन्नई ने उनको आसानी से हरा दिया था। वापस से अंडर रसेल ने 50 रन बनाए, पर उनके अलावा कोई नहीं चल पाया और टीम 108 रन ही बना पाई। पर उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोलकाता ने इस सीजन काफी अच्छा खेला है। उनके बैट्समैन भी चले, उनके बॉलर भी चले हैं, तो एक मैच कोलैप्स से कुछ होता नहीं है। सिर्फ दूसरी हार थी टूर्नामेंट के अंदर, देखा उनकी सुपर ओवर में आई थी। तो आई थी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, टीम ने काफी अच्छा खेला और टीम अच्छा खेलती भी रहेगी। आंडर रसेल से ऑलराउंडर हर टीम के पास नहीं होता और वो उनके हर मैच के अंदर एक्सपेक्ट रहने वाले हैं। टीम मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस करने की जरूरत है। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, हैरी करनी का परफॉर्मेंस भले अच्छा रहा है, पर कोलकाता की पिच पेस बॉलर्स को सपोर्ट करती है, बात सबको पता है। और जयपुर की पिच और चेन्नई की पिच स्लोअर साइड थी, तो वहां पे हैरी करनी एक काफी अच्छे बॉलर बन गए थे। पर आई थिंक आपको हॉर्सेस को कोर्सेस के ऊपर चलना चाहिए और आई थिंक इसमें तो लॉकी फर्ग्यूसन आ सकते हैं हैरी करनी की जगह पे। तो जहां पे पेस बॉलर पिच होती है, वहां पे लॉकी फर्ग्यूसन खेल सकते हैं। और हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई जैसी पिचों के ऊपर आप खिला सकते हो हैरी गर्नी को, जो कि उस पिचेस पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और लॉकी फर्ग्यूसन को पेस पसंद है, तो इस पिच के ऊपर लॉकी फर्ग्यूसन काफी अच्छे बॉलर आपके लिए हो सकते हैं। तो आई थिंक प्लेइंग 11 यही रह सकती है। सूर्य नारायण ओपनिंग करेंगे क्रिस लिन के साथ में, फिर रॉबिन उथप्पा, फिर नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, एंड्रयू रसेल, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और लॉकी फर्ग्यूसन, तो ये टीम रहने वाली है मेरी। लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा, एंड्रयू रसेल आपके फास्ट बॉलर हो जाते हैं और स्पिनर तो शानदार है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में। तो एक काफी स्टेबल टीम है, माना पिछले मैच के अंदर हारी है, पर कोलकाता मोरल हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि सीजन बहुत अच्छा जा रहा है और हम उम्मीद है कि इस मैच के अंदर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब मैं बात करता हूं विजिटिंग टीम दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि पिछले मैच में आरसीबी को उनके होम ग्राउंड के ऊपर हरा के आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम रही है जो अपने कोलैप्सिस की वजह से मैच हारी है। कुछ मैच उनके एकदम जीता हुआ मैच था पंजाब से, वो हार गए। एक कोलकाता नाइट राइडर्स वाला जीता हुआ मैच, वो सुपर ओवर तक ले गए और बाकी उनके कोलैप्सिस हो जाते हैं। इससे इनएक्सपीरियंस दिखता है उनकी प्लेइंग 11 के अंदर, पर एक टीम काफी अच्छी अच्छा खेल रही है। पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी बैटिंग करी, पृथ्वी शॉ भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, पर इंजन अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे थोड़ी सी मैच्योरिटी इस चीज के अंदर तो जरूर दिखाएंगे। उनके लिए स्टार रहे कगिसो रबाड़ा, जो कि हर मैच के अंदर एक शानदार मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए और एबी डिविलियर्स जैसा शानदार विकेट मिला, तो कगिसो रबाड़ा उनके लिए ट्रम्प कार्ड है। और खासकर कोलकाता का पिच कगिसो रबाड़ा को काफी सपोर्ट करेगा क्योंकि पेस बॉलिंग पिच है और काफी अच्छी बात है। दिल्ली के लिए मेन बात यह है कि वो 6 बॉलर के साथ जाते हैं, जिसमें 3 फास्ट बॉलर हैं और 3 स्पिनर हैं, तो एक काफी अच्छी उनको बैलेंस मिलता है टीम के अंदर। और इस तरह से उनको बॉलिंग काफी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, हिटिंग पावर्स हैं, पर मैच्योरिटी नहीं दिखती। जब लगता है वो जीत जाए, वो विकेट को थ्रो करके चले जाते हैं। पिछले मैच के अंदर भी आखिरी में 3-4 विकेट लगातार गिर गए थे। पिछले मैच तो जीता हुआ था, पर कुछ मैच ऐसे होंगे जब आपको विकेट की जरूरत होगी। ऋषभ पंत हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर इंजन विकेट को थ्रो कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऋषभ पंत थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे। टीम बहुत अच्छी है दिल्ली कैपिटल से, तो ये होने वाली प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से। ओपनिंग करते हैं उनको दिखेंगे शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ, फिर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कॉलिन इंग्राम, क्रिस मॉरिस, अक्षर पटेल, राहुल तेवतिया, संदीप लमीछने, कगिसो रबाड़ा और ईशान शर्मा। जहाँ पे कगिसो रबाड़ा, ईशान शर्मा, क्रिस मॉरिस आपके फास्ट बॉलर हो जाते हैं और अक्षर पटेल, राहुल तेवतिया, संदीप लमीछने आपके स्पिन बॉलर हो जाते हैं। एक काफी अच्छा बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग में भी हिटिंग पावर्स काफी है, कितना भी टोटल चेस कर सकते हैं, पर प्रेशर के अंदर थोड़े से नीचे आ जाते हैं। अगर दिल्ली पहले बैटिंग करते दिल्ली के लिए अच्छा रहता है, वो बिना उसके खेलते हैं, चेस करने में थोड़ा प्रेशर आता है दिल्ली को। पर आई थिंक कोलकाता एक चेजिंग ग्राउंड है, तो चेस करना अच्छा रहेगा ड्यू फैक्टर की वजह से भी। तो ये था एक छोटा सा प्रीव्यू, मुझे पोल में बताना कि आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतने वाला है। कोलकाता नाइट राइडर्स काफी ज्यादा फेवरेट टीम रहने वाली है होम ग्राउंड के ऊपर, बट दिल्ली कैपिटल्स को भी आप हटा नहीं सकते इक्वेशन से। एक काफी टैलेंटेड टीम है दिल्ली कैपिटल्स की भी, और वो चाहेंगे कि इस मैच को जीते और टॉप 4 में आने की कोशिश करें। वही कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेगी वो टॉप 2 के अंदर बने रहे, क्योंकि एंड के अंदर टॉप 2 में आना काफी ज्यादा आपके लिए अच्छी बात होती है, पर इंडिया का एम तो टॉप 4 में आना ही है। तो मुझे उम्मीद है छोटा वीडियो को पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे देखना बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।